वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्या जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच हमें WWE दिखाते हुए दिखाई दे सकती है। जिमी उसो का रिटर्न हमें स्पॉइलर देखने को मिल चुका है। क्या डीमन फिन बैलर वर्सेस अंकल हाउडी इन फ्यूचर हो सकता है, और भी बहुत सारी अपडेट्स है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये हमें देखने को मिल रहा है मैक्सिमम मेल मॉडल को लेकर। तो मैक्सिमम मेल मॉडल को आप सभी लोग जानते रहोगे, अरे वही हमें यहाँ जहाँ पे टी बार देखने को मिलते, टी बार नहीं यार, ये क्या नाम है इसका, मंसूर देखने को मिलते थे और उनके साथ में एक और फ्रेंड थे उनके। तो मैक्सिमम मेल मॉडल की जो फैक्शन देखने को मिलती थी, मतलब टैग टीम देखने को मिलती थी, तो अभी इन दोनों का क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि इनको WWE से रिलीज़ कर दिया गया था। तो रिलीज़ करने के बाद भाई अभी वो कहाँ जाएंगे, यही कुछ देखने को मिल रहा था कि भाई मतलब हमें इधर उधर इंडी प्रमोशन के अंदर भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। बट फाइनली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में, एंड नाउ अब वो ऑल एलीट रेसलिंग एंड ROH के पार्ट रहेंगे, यानी कि रिंग ऑफ ऑनर के। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया अपडेट है जो कि इनको लेकर देखने को मिल रही है, यानी कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम मेल मॉडल देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली ऑल एलीट रेसलिंग में। आई होप सो कि कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिले या फिर कैटरिंग में बैठे और क्या। बाकी बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और यह अपडेट हमें यहाँ पर स्टेफनी वैक्वर को लेकर देखने को मिल रहा है। तो इनको लेकर अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेफनी वैक्वर जिसका नाम मतलब AEW के अंदर देखा जाता था, AEW के अंदर वो हमें अभी तक देखने को मिलती थी ऐसा माना जा रहा है। मैंने तो वैसे AEW अभी बहुत दिनों से देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेफनी वैक्वर नाम की कोई लड़की थी, उसको काफ़ी अच्छा खासा वो लोग पुश दे रहे थे। बट अभी क्या हुआ है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने AEW से रिश्ता तोड़कर WWE से रिश्ता अपना लिया, और WWE के साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही कंपनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी ऐसी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगती है, एंड वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, क्या कर सकते हैं। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है जिमी ओसो के रिटर्न को लेकर। तो भाई गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, हेड ऑफ द टेबल की गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोलो सिकोवा की तरफ से, और वो यहाँ पर रोमन रेंस की गद्दी को हथियाना चाहते हैं और वो हेड ऑफ द गद्दी बनना चाहते हैं। तो देखते भाई कब तक होता है ये चीज़ें। बट इन्हीं बीच में जिमी उसो का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये रिटर्न लीक हो चुका है ऑलरेडी। तो 12 जुलाई का जो हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगा उसके अंदर यहाँ पर एडवर्टाइज किया जा रहा है जो कि जिमी उसो को, आप पोस्टर देख सकते हो, मैंने ये पोस्टर देखा जिसमें यहाँ पर जिमी उसो हमें एडवर्टाइज देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जिमी उसो हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वो मे बी हमें जो भी स्टोरी देखने को मिलेगी ब्लड लाइन वाली, जो भी जैसी भी यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर प्लान्स होंगे सारे, यहाँ पर अपना सरप्राइज रिटर्न करके, अनोखा रिटर्न करके चौंका सकते हैं और जो गद्दी के दावेदारी है उसको ठोक सकते हैं। तो देखते हैं भाई जिमी उसो सोलो सिकोवा इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि भाई गद्दी की शुरुआत और रोमन रेंस और रोमन रेंस के बाबूजी ने की थी, तो अब यहाँ पर सोलो सिकोवा उसको हथियाना चाहते हैं रोमन रेंस के जाने के बाद, तो भाई ऐसा तो होगा नहीं। अब रोमन रेंस जिसको गद्दी पे बैठाना चाहेंगे उसी को बैठाएंगे जो उसके काबिल होगा। अब ऐसे में यहाँ पर सोलो सिकोवा अपने आप को काबिल समझते हैं, वो बैठना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि भाई WWE के अंदर भी एक अलग मिर्ज़ापुर चल रहा है। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और यह अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है भाई साहब ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के ट्रिपल थ्रेट मैच को लेकर। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बताए तो डेव मेल्टजर उसमें काम करता है, डेव मेल्टजर, उनकी तरफ से कुछ अच्छी खासी रिपोर्ट्स आती है, और ऐसी रिपोर्ट्स आती है जो कि लोगों को बहुत चक्का कर जाती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई इनका कहना है कि ड्रू मैकइंटायर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट हमें मनी इन द बैंक में जिस तरीके से देखने को मिला उससे क्लियरली ये है कि भाई ये तीनों सुपरस्टार एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने वाले हैं, एंड ये कन्फर्म्ड है। सो बताया ये जा रहा है कि भाई हमें यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक इन सब का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी खासी बात है, और आई वॉन्ट कि भाई ड्रू मैकइंटायर, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले, क्योंकि तीनों सुपरस्टार अपने आप में काफ़ी अच्छे खासे रेसलर हैं,
परफॉर्मर हैं, तो तीनों की परफॉर्मेंस झलक आएगी भाई 5 स्टार के मैच के रूप में, जो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर देंगे ही। तो लेट्स सी WWE इस चीज़ को करती है या फिर नहीं करती है, वो तो WWE के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk वर्सेस ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस एक काफ़ी बढ़िया आइडिया है, जो कि ड्रू मैकइंटायर को लेकर, सेथ रॉलिंस को लेकर, इनको लेकर जो कि डेव मेल्टर ने बताया है। तो WWE करती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं करती है तो भी ठीक है। मैं तो वैसे भाई पहले तो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk का एक सिंगल्स और बहुत ही बढ़िया मैच देखना चाहूंगा, जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी पीटे, बहुत पीटे भाई। वो अपने रॉयल रंबल का बदला ले या अपने मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन का बदला ले और इसके बाद वो टाइटल हारने का बदला ले, सारा बदला लो, पीट पीट के मार दो एक दूसरे को भाई। वही चीज मैं देखना चाहता हूं जो कि हमें देखने को मिलेगा WWE के इस मैच के अंदर, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk में। बाकी सेथ रॉलिंस आ जाना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसमें रेफरी बन जाओ ना, बढ़िया रहेगा वो भी। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है डीमन फिन बैलर वर्सेस अंकल हाउडी को लेकर। वैसे ये कोई सोर्सेस की तरफ से अपडेट नहीं है, बट फैंस डिमांड की है। तो यहाँ पर यह है कि भाई अंकल हाउडी और फिन बैलर का डीमन अवतार, अब जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है, ऑलरेडी बहुत बार ऐसे कॉन्सिडेंस हो चुके हैं जिसमें ब्रे वाइट का द फिंड कैरेक्टर और यहाँ पर फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर, इन दोनों का क्लैश हो सकता था, बट नहीं हुआ। कभी ब्रे वाइट मतलब ब्रे वाइट रह जाते थे तो वहाँ पर डीमन फिन बैलर आते थे, तो कभी यहाँ पर द फिंड आते थे तो वहाँ पर फिन बैलर आ जाते थे। तो ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिला, तो जिसकी वजह से कभी हमें यहाँ पर ये दोनों अपने उस वाले कैरेक्टर डेविल वाले कैरेक्टर के साथ में ही नहीं रेसल करते हुए दिखाई दिए, कभी ना कभी किसी एक का कैरेक्टर नहीं रहता था। तो ऐसे में अब वो चीज़ जब हो ही नहीं पाई और ना ही अब हमें देखने को मिल पाएगा, तो WWE के फैंस यहाँ पर ऐसा भी चाह रहे हैं कि अगर वो चीज़ें नहीं देखने को मिली तो ये भी सही हो सकता है कि जहाँ पर हमें अंकल हाउडी उस चीज़ को पूरी करते हुए दिखाई दे, जिसमें अंकल हाउडी डीमन फिन बैलर के अवतार डीमन फिन बैलर से लड़ते हुए दिखाई दे, दैट्स ग्रेट। मैं तो यही चाहूँगा भाई ऐसा हो, आई होप सो कि फ्यूचर में हो। बाकी बात कर लेते हैं जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, क्या ये हमें देखने को मिल सकता है? देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है, मैंने कल अभी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोग को बताया था कि क्या कुछ हो सकता है, जाके वो चेकआउट कर लो। बात कर लेते हैं जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो चांसेस अच्छे खासे हैं इसको लेकर, ऑड्स भी जो कि आ चुके हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और मिल लिया, हाँ ऑड्स आ चुके हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो यस मान सकते हैं, क्या पता जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो, इंस्टा ट्विटर व्हाट्सएप चैनल सब पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, रेली या सॉफ्टवेयर दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।